ओके क्वेश्चन रीड करते हैं. अ रिजिड यूनिफॉर्म बार एबी ऑफ लेंथ एल इज स्लिपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन फिगर. एट फ्रिक्शनलेस फ्लोर ध्यान रखेंगे, ठीक है. डेटा हमेशा मार्क करोगे, क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ये फ्रिक्शनलेस सर्फेस दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है. फ्रिक्शनलेस फ्लोर होने से इमीडिएटली आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है. एफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है, जीरो है ना, है नहीं है, ठीक है. और वर्टिकल डायरेक्शन से आपने जस्ट उसको टिल्ट करके छोड़ा है, हल्का सा टिल्ट करके छोड़ा है. और वर्टिकल डायरेक्शन अगर टिल्ट करके छोड़ा तो क्या हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर सकता है, नहीं कर सकता सर, नेट फोर्स नहीं. तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ट्रीट कर लूं तो आप श्योर कह सकते हैं डेल्टा एक्स सी ओ एम, डेल्टा एक्स सी ओ एम ये कितना होगा, जीरो होगा, राइट, है ना. मतलब रॉड जो है इंक्लाइन करके गिर रहा है, बट उसका सी ओ एम जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकली गिरेगा. ये आपको रियलाइज हो रही है, समझ आ रही है आपको. यस सर, हां. लोकस ऑफ सी ओ एम विल बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. लोकस ऑफ सी ओ एम विल बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड रीजन आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है. अब उसके बाद का देखें, मिड पॉइंट ऑफ बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, ये करेक्ट हो गया. द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट ए इज पैराबोला, ये तो वही आता है. पॉइंट ए का पैराबोला हो ही नहीं सकता है क्योंकि पैराबोला होने के लिए आपको याद है यू नो कंडीशन क्या है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए विथ इनिशियल वेलोसिटी नॉट इन लाइन विथ एक्सेलरेशन. कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से गिरना चाहिए ना उसको, है ना. यस सर, याद है आपको. पैराबोला पाथ तो एक ही कंडीशन में बनता है जब आपका कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हो और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन पे ना हो. तो वो तो क्लियरली आप दिख रहे हैं कि पैराबोला नहीं है, ठीक है. तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये तो क्लियर है. बट सपोजली आपको एग्जैक्टली यू नो लोकस निकालना ही हो जाता है. सपोजली आपको लोकस निकालना है कि बताओ इसका लोकस क्या होगा, अगर लोकस ही पूछ ले कि क्या होगा तो कैसे निकालेंगे. अब लोकस निकालने के लिए क्या करें, कोई फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लो पहले. फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही आप निकालोगे लोकस निकालोगे तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ से मैं फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर रहा हूँ. मैंने क्या किया, रॉड के अलोंग ही वाई एक्सिस चूज कर लिया है. लेट अस से ये हमारा वाई एक्सिस है एंड ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस चूज कर लिया. ऐसा मैंने क्यों चूज किया कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है कि सेंटर ऑफ मास तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, इसीलिए मैंने सेंटर ऑफ मास का जो लाइन ऑफ फॉलिंग है उसी के अलॉन्ग वाई एक्सिस चूज कर लिया है. तो एक्स एक्सिस में मुझे कोई शिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है. अब आप ये सोच के देखो, इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इस पॉइंट जो टिप ऑफ ए है उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर मार्क करें तो कोऑर्डिनेट्स को आप क्या लिखोगे, आप ये बताओ मुझे क्या लिखोगे. एल बाई टू साइन थीटा और एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा और ये एल बाई टू साइन थीटा. देखो तो आ रही है क्या. हाँ सर, हाँ सर, ठीक है. अब अगर इसके लोकस को मैं एच और के मान रहा हूँ, एच और के या x और y लिख लेते हैं, चलो ठीक है, x और y लिख लेते हैं, चलो छोड़ते हैं, x और y लिख लिया. तो अभी x और y अगर कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, तो x कोऑर्डिनेट कितनी है, माइनस ऑफ l बाई टू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, है या नहीं है. ऐसा, हाँ. और y कोऑर्डिनेट कितनी है आपके लिए, ये बताओ. ये a के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड a के लिए. दिस इज l cos थीटा, राइट. अगर sin square theta plus cos square theta 1 कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो तो x square by l by 2 का square plus y square by l square equal to 1 आ रहा है. क्या है, ellipse है या नहीं, ellipse, ठीक है. तो ellipse हो जाएगा, मतलब अगर end a का अगर ellipse पूछे तो आपका end a का locus पूछे तो आपका ellipse आएगा, ठीक है. तो ये आपका incorrect option हो गया. फिर उसने पूछा instantaneous torque about point of contact with the floor is proportional to sin theta. Okay, अब ये सोच के देखो, instantaneous torque about the point of contact उन्होंने पूछा है. इसमें इसमें थोड़ा सा चीज गड़बड़ है, क्योंकि जब हम बोलते हैं instantaneous torque about point of contact तो हम सारे forces को consider करेंगे या सिर्फ gravity को consider करेंगे, बताओ. सारे forces को consider करना, नहीं सिर्फ gravity को, कैसे सारे forces को consider करेंगे. जब उसने बोला instantaneous torque, उसने बोला है क्या किस force का torque, बोला है क्या, नहीं. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, बी, कौन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बी सर, हां,
ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, बी है ना, पॉइंट बी, पॉइंट बी एक्सेलरेटेड है या अनएक्सेलरेटेड है? एक्सेलरेटेड है सर. एक्सेलरेटेड, ऑब्वियसली वो राइट की तरफ आपका शिफ्ट करता जा रहा है, वो एक्सेलरेट करके जा रहा है, सो दिस इज एक्सेलरेटेड. और एक्सेलरेटेड पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब भी देखोगे तो सूडो फोर्स लेना पड़ेगा ना. आपको याद है मैंने ये चीज तो बार बार बताया था ना कि जब आप टॉर्क कैलकुलेशन के लिए कोई आर्बिट्री पॉइंट पे बैठते हो तो ये देख लो कि वो एक्सेलरेटेड है या नहीं. और एक्सेलरेटेड नहीं है तो उसका उसके वजह से एक सूडो टॉर्क भी तो आपको लेना पड़ेगा. आंसर पड़ेगा. आई गेटिंग इट? तो इस केस में सोच के देखो कि अगर मैं ऐसा सिचुएशन दिखाऊं जैसे ये रॉड है हमारा, ये वाली एंड बी है, ठीक है, और हम यहीं से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना यहीं से कैलकुलेशन कर रहे हैं. आपको ये पता है कि इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ कुछ एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बी मान लेते हैं, ठीक है. तो आपको पता है कि अभी सेंटर ऑफ मास से आपको एक सूडो फोर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा. तो ये तो एम इंटू ए बी ये कंसिडर करेंगे ना नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आपका एम जी तो है ही. अब वर्टिकल से एंगल हमने थीटा ले रखा है तो एम जी का जो कॉम्पोनेंट इधर से आ रहा है ये कितना है, एल बाई टू साइन थीटा है ना. Yes, sir, और ए बी के लिए जो आएगा वो तो एल बाई टू कॉस थीटा आएगा. आएगा? Yes, sir, तो अगर नेट टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू बी पूछे तो क्या लिखेंगे आप, एम जी इंटू एल बाई टू साइन थीटा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड प्लस एम इंटू ए बी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा ये तो तभी बोलते हैं ना जब आपका एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होता, जीरो होता, होता नहीं होता. हाँ सर. ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया ना, समझ आया आपको? गलत. अगर अगर इंस्टेंटेनियस टॉर्क ऑफ ग्रेविटी बोलते तो अभी सही हो जाता ये, बट इंस्टेंटेनियस टॉर्क उन्होंने बोला है इसका मतलब ये गलत हो जाएगा ये. ठीक है, मेजोरिटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका आंसर गलत दिया था जब ये क्वेश्चन पब्लिश हुए थे, तो ये आंसर गलत दिया था इसका. मेजोरिटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसके आंसर गलत दिए थे सबने, क्योंकि उन्होंने सबने साइन थीटा के प्रोपोर्शनल मान के इसको आंसर कर दिया था, बट जबकि साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आपका वाला है ही नहीं. ठीक है, और आंसर की जब बोर्ड ने पब्लिश किया था तो इसको करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया था उन्होंने. समझ आई आपको? हाँ सर. उसके बाद से क्या पूछा, व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस कॉस थीटा. ये तो करेक्ट ही है, ये तो दिख ही रहा है ना आपको, दिख रहा है आपको? पहले सीओएम अगर देखोगे तो वर्टिकल से एल बाई टू डिस्टेंस पे था, एंड बाद में कितना है, एल बाई टू कॉस थीटा पे, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जो है, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में जो सीओएम की हुई है वो कितनी हुई है, एल बाई टू इंटू वन माइनस ऑफ कॉस थीटा, एंड दिस इज अलॉन्ग नेगेटिव जे, मतलब नेगेटिव जे मतलब ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस लिया है. समझ आ रही है ना आपको? हाँ सर. तो ये तो करेक्ट ही हो जाएगा, ये तो करेक्ट हो गया. समझ आई सभी को?